नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद खुले स्कूल। दक्षिण बिहार को सूखे से बचाने के लिए होंगे ये कार्य। काराकाट में पवन सिंह और उनकी मां दोनों का ही नामांकन मंजूर। एनटीए ने फिर बढ़ाई यूजीसी नेट के लिए आवेदन तिथि। भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा विश्व कप का मुकाबला। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद खुले स्कूल। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। स्कूल फिर से खुल चुके हैं। आज सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कक्षाओं का संचालन किया गया है और इसके बाद स्कूलों की छुट्टी हुई। आपको बता दें कि शिक्षक 1:30 बजे तक स्कूलों में रुके रहे। दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कमजोर बच्चों को शिक्षक विशेष कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। मालूम हो कि शिक्षकों को सुबह 6 बजे स्कूल आने का आदेश है। वहीं देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण कर्मियों को सुबह 6 बजे तक स्कूल में निरीक्षण का निर्देश है। दक्षिण बिहार को सूखे से बचाने के लिए होंगे ये कार्य। गर्मी के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। दक्षिण बिहार को सूखे से बचाने के लिए वहां पर जलाशय का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगी। रोहतास जिले में जलाशय का निर्माण करने से आसपास के इलाकों में पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग की ओर से संबंधित आला अधिकारियों को जलाशय के निर्माण के लिए DPR बनाने का आदेश दिया गया है। NTA ने फिर बढ़ाई UGC नेट के लिए आवेदन तिथि। NTA ने फिर से UGC नेट के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक और योग्य प्रत्याशी NTA के आधिकारिक वेबसाइट UGCnet.nta.ac.in पर 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं और इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई थी। इसे बढ़ाकर पहले 15 मई किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 19 मई कर दिया गया है। दूसरी बार तारीखों में बदलाव हुआ है। NTA ने नोटिस जारी करके इस बारे में जानकारी साझा की है। मालूम हो कि उम्मीदवार 20 मई को रात के 11:59 तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। पटना साहिब से 17 उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा वैध। पटना साहिब में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान हो रहा है। यहां पर 30 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया था। इसमें से 13 उम्मीदवारों का नामांकन जांच के दौरान रद्द हो गया और इसके बाद अब यहां से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गई है और इसके बाद ही प्रत्याशियों की सही संख्या का निर्धारण हो सकेगा। आपको बता दें कि पटना साहिब से भाजपा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत, निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, बसपा के नीरज कुमार सहित 17 उम्मीदवार का नामांकन पर्चा सही पाया गया है। वही निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पीसी से रिटायर्ड इंजीनियर है। कटिहार पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसी बीच कटिहार के आजम नगर थाना पुलिस ने बंगाल से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को एक वाहन से जब्त किया है। हालांकि इस मामले में आरोपी ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। इधर पुलिस ने 213 लीटर विदेशी शराब की खेप को बरामद करने के साथ ही वाहन मालिक की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल से शराब तस्करी के कॉरिडोर पर ब्रेक लगाने के लिए इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी। मुंबई में रहने वाले लोग भी चखेंगे बिहार की शाही लीची का स्वाद। बिहार के मुजफ्फरपुर का शाही लीची देश भर में काफी लोकप्रिय है। अब शाही लीची का स्वाद मुंबई के लोग भी चखेंगे। इसे लेकर पूर्व मध्य रेल ने विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे की ओर से लगातार व्यापारियों के लिए कार्य किए जा रहे हैं और इसी बीच 20 मई से जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस में मुंबई जंक्शन से 4 टन लीची मुंबई के लिए भेजी जाएगी। मुंबई तक मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेजी जाएगी। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से लीची को प्रत्येक साल अन्य राज्यों में भेजा जाता है। रेलवे की ओर से लीची भेजने के लिए इच्छुक व्यापारियों और किसानों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जुलाई में मल्टी मॉडल हब से होगा बसों का परिचालन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अभय कुमार झा ने बसों को परिचालन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मल्टी मॉडल हब के निर्माण कार्य के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से बसों का परिचालन करने का प्रस्ताव दिया गया है। यहां से बसों के परिचालन के शुरू हो जाने के बाद रेल यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। रेल मार्ग से पटना जंक्शन आने वाले लोगों को काफी फायदा होगा।
एक साथ 32 बसों को खोलने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहां से अलग अलग शहरों के लिए और आसपास के इलाकों के लिए बसें चलेगी। मल्टी मॉडल हब में 225 कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सीएम सोलर लाइट योजना में लापरवाही आई सामने। बिहार के पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की गति बहुत ही धीमी पाई गई है। अभी तक मात्र 20% ही सोलर लाइटों को लगाया गया है और उसके बाद ब्रेटा ने सोलर लाइट लगाने के लिए नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। नई एजेंसी के तय हो जाने के बाद काम में तेजी आ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत राज्य में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी जिलों के 516 प्रखंडों की 7,740 पंचायतों में 6,79,024 सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव के साथ ही पंचायती राज विभाग ने कई बार सोलर लाइट लगाने में तेजी के आदेश दिए हैं। काराकाट में पवन सिंह और उनकी माँ दोनों का ही नामांकन हुआ मंजूर। काराकाट लोकसभा सीट का मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। इस लोकसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 27 आवेदकों में से 13 को रिजेक्ट किया गया है। इधर कई उम्मीदवारों का नामांकन मंजूर हो चुका है। इसमें एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह और उनकी मां प्रतिमा देवी का नाम प्रमुख है। पवन सिंह की मां का नामांकन मंजूर हो जाने के बाद अब ये माना जा रहा है कि वो अपना नामांकन वापस ले सकती है। कल नामांकन की वापसी का आखिरी दिन है। स्वस्थ होने के बाद चुनाव प्रचार में फिर से एक्टिव हुए सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक हो चुकी है। इसके बाद आज से वो चुनाव प्रचार में एक्टिव हो चुके हैं। सीएम शिवहर में लवली आनंद और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिनों से सीएम बीमार चल रहे थे और इस कारण से उनके चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगा था। सीएम बीमार होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक हो चुके हैं। इस कारण वो चुनाव प्रचार में फिर से शामिल होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को साल भर पंचायत से लेकर नगर निगम चुनावों और टीवी पर प्रचार से अगर फुर्सत मिले तो उन्हें देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं से औचक और नैसर्गिक संवाद यानी सजा और रचा हुआ संवाद नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तब ज्ञात होगा कि बेरोजगार करोड़ों युवक युवतियों का जीवन किन कठिनाइयों और मनोस्थितियों से गुजर रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि जो बेरोजगार है वो कुंवारे हैं। उनके मंगलसूत्र, खुशियां, अरमान और सपनों को अपनी नीतियों से कौन छीन रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बोला हमला। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव के बयान को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को चिंता करनी चाहिए क्योंकि उनका पूरा परिवार 4 जून के बाद बेरोजगार होने वाला है। मालूम हो कि एनडीए और महागठबंधन के बीच लगातार ही खींचातानी जारी है। एनडीए की ओर से बिहार के 40 में से 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष गठबंधन की ओर से भी जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि चुनाव का परिणाम क्या होता है ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। मुकेश सहनी की पार्टी ने सम्राट चौधरी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि सम्राट चौधरी के फेसबुक आईडी पर अशोक कुमार चौहान के साथ तस्वीर लगाकर कहा गया कि वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने सम्राट चौधरी के खिलाफ कंकरबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सम्राट चौधरी पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे कई नेताओं के साथ भाजपा में हुए शामिल। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे कुमार सत्यम कई नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर मंगल पांडे आदि लोग भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने पार्टी को छोड़ दिया है। इसमें पूर्व जिला अध्यक्ष का भी नाम शामिल है। इस दौरान सत्यम दुबे ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली से वो काफी प्रभावित हुए हैं। भाजपा का काम करने का तरीका उन्हें काफी पसंद आया है और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त सरकार की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा विश्व कप का मुकाबला। T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही देश तैयार है। 1 जून से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। इस टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में सभी की नजर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर रहेगी। आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच 9 जून को विश्व कप का मुकाबला होने जा रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान का मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंट्री स्टेडियम में खेला जाएगा।
इस स्टेडियम में 34,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा है। इस स्टेडियम में 8 मैच खेले जाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है? 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई? सही उत्तर है 14 मई। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली कौन एकमात्र खिलाड़ी बनी है? आभा कुमारी, आभा खटवा, अमृता खटवा या माया खटवा? सही उत्तर है आभा खटवा। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 20 मई, 21 मई, 24 मई या 25 मई? सही उत्तर है 25 मई। इफको के अध्यक्ष के रूप में कौन चयनित किए गए हैं? दिलीप कुमार, दीपक कुमार, दिलीप संघानी या दीपक संघानी? सही उत्तर है दिलीप संघानी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 14 मई, 15 मई या 16 मई? सही उत्तर है 15 मई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, सदुल्ला पालवी, मोहम्मद शकीर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, चंदन शर्मा, मुरारी कुमार ठाकुर, राकेश मिश्रा, गुणर शर्मा, दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? अपना जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।